ईमान है पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लंबित प्रकरणों का भुगतान करने तथा छोटे छोटे टेंडर लगाए जाने की मांग को लेकर ठेकेदार संगठन का आंदोलन सोमवार को भी जारी रहा। ठेकेदारों ने तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ठेकेदारों ने कहा कि बीते एक माह से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांग को अनसुना कर रही है। बड़े टेंडर लगाकर सरकार स्थानीय ठेकेदारों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, साथ ही विभागों में लंबित प्रकरणों का भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिस कारण ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इधर जिलाधिकारी आशीष भंडगाई ने समस्याओं के निदान का भरोसा ठेकेदारों को दिलाया है। हमारा प्रोग्राम पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे 13 जनपदों में सभी ठेकेदारों का हर जनपद में जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का है, जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित है और जिलाधिकारी के माध्यम से हम यहां पर ज्ञापन देने आए हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय अंदर जनता दरबार का कार्यक्रम चल रहा है, वहां बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद हम अपना ज्ञापन यहां पर देंगे। हम बागेश्वर जनपद के समस्त ठेकेदार यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारी मांग है, आप लंबे समय से हमारी मांग जो है सरकार सुन नहीं रही है। हम कई बार हमने ज्ञापन दे दिए, कई बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपना ज्ञापन दे दिया और अपने विधायक अपने जनप्रतिनिधि जितने हैं सबको हमने ज्ञापन दे दिए हैं, लेकिन हमारी बात को कोई नहीं सुनना। आज एक महीने से लगातार विकास कार्यों का बहिष्कार चल रहा है। जितने भी निविदाएं जितने भी टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं सबका पूरे ठेकेदार संघ द्वारा उसका बहिष्कार चल रहा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बहिष्कार चल रहा है, धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, उसके बावजूद भी कार्यालय बंद भी कहीं कहीं कार्यालय भी बंद किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। हमारे ठेकेदारों में बहुत ज्यादा रोष है। हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र हमारी बात सुनी जाए और हमारे आंदोलन जो पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, नहीं तो आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा आने वाले समय में, नहीं तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। स्थानीय लोगों को जो है जिससे रोजगार मिल जाए, रॉयल्टी में जो दरें इन्होंने अभी लगा रखी वर्तमान में रॉयल्टी की दरें बेतहाशा उसकी वृद्धि की गई है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी और तमाम सारे पता नहीं क्या क्या लगा के जो है लगाया गया, जबकि हमको हमारे रेटों में जुड़ानी है। हम चाहते हैं कि रॉयल्टी की दरें जो है वो कम की जाए और हमारे लंबे समय से हमारे ठेकेदार भाइयों को जो काम किया हुआ है एक साल दो साल तीन साल से जो भुगतान नहीं हुए हैं, यहाँ तक कि 2000 में जब यह राज्य अलग बना था तब के भी अभी भुगतान विभाग ने हमारा देना है। इन तमाम सारे मांगों को लेकर हमारा ठेकेदार संघ जो है पूरे प्रदेश में लामबंद है, आंदोलन में है और हम तब तक हटने वाले नहीं है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। ठेकेदारों का ये प्रदेश स्तरीय जो आंदोलन चल रहा है ये पूरे जनपदों में चल रहा है और प्रदेश की जो एक कॉल थी कि आज 23 तारीख को आज सारे जिलों में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जाना था अपनी मांगों के संदर्भ में, तो आज ये पूरे प्रदेश में सारे जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। जो हमारी मुख्य मांगे हैं तो उनके संबंध में जैसा कि हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि रॉयल्टी में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है, रॉयल्टी में DMF हो गया, क्षतिपूर्ति हो गई और स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है, जिससे ठेकेदारों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ठेकेदारों को जो भुगतान होता है वो SOR रेट्स में जो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उन्हीं के आधार पर ठेकेदारों से कटौती की जाती है, और जबकि रॉयल्टी का जो ये अमाउंट हमसे काटा जा रहा है इसका कहीं भी कोई प्रावधान SOR में नहीं है, उसके बाद भी हमसे ये कटौती हो रही है जो नाजायज है, जिसके लिए हम सब लोग आंदोलनरत हैं। और साथ ही साथ सारे विभागों में जो रजिस्ट्रेशन के नियम हैं, जो पंजीकरण के या रिन्यूअल के टाइम पे जो नियम है सारे विभागों में अलग अलग है, तो उनमें एक रूपता आनी चाहिए, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। GST के प्रकरण हैं तो बहुत सारे GST के प्रकरण ऐसे हैं कि जिसमें हम GST जमा कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से अगर हम लेट हो जाते हैं तो उसमें हम लेट पेमेंट देते हैं, उसके बाद उसी उसमें हमको इंटरेस्ट भी लिया जाता है, उसी में हमसे पेनल्टी भी लगाई जाती है, तो एक ही जो जुर्म है उसकी तीन तीन सजाएं हैं। तो हम कह रहे हैं ये GST का भी ये मामला सरल, इसको सरलीकरण किया जाना चाहिए और जितने भी काम हैं आप ये देखिए कि धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में टेंडर लग रहे हैं, उसके बाद क्योंकि जब टेंडर लग रहे हैं तो ठेकेदार का धर्म है टेंडर डालना और उसके बाद सालों तक ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है, तो ऐसे मामले हैं जब विभाग अपने GST के प्रकरण में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, जो लंबे समय से ठेकेदारों के भुगतान लटके हुए हैं, तो हमारा कहना है उनको भी मय ब्याज के आप ठेकेदारों को भुगतान किया जाए। तो यही सारी बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर आज हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं।
किया गया है वो मेरे द्वारा रिसीव किया गया है और उसमें हमारे द्वारा ये देखा जाएगा कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो भी उसमें हो सकती है उसका नियमानुसार विस्तार करने का प्रयास करते हैं। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।